वेलकम टू मैक्स थर्ड। मैं हूँ आज का होस्ट काजी। और यार क्यों क्यों किया? नहीं मतलब समझ आता है कि क्यों किया है, बट क्यों? तो यार कुछ ही दिनों में ब्लैक एडम की मूवी आने वाली है और हम लोग रह नहीं सकते, हम राह देख रहे हैं उस मूवी का। पर ब्लैक एडम की मूवी में ब्लैक एडम का तो हम राह नहीं देख रहे ना, है ना? तो चलो इसी पे बात कर लेते हैं आज। तो यार जब से रॉक और हेनरी कैविल ब्लैक एडम और सुपरमैन के लिए कास्ट हुए हैं, फैंस की ये डिमांड रही है कि भाई हमें एक फाइट सीन देखना है इन दोनों के बीच। और यार देखो इन दोनों को, कौन नहीं चाहेगा इन दोनों को फाइट करते हुए देखने का। और जो सुपर पावर्स है वो तो बस ऐसा मसाला छिड़का है इस चीज के ऊपर, ऐसा लगता है। और जब जब ये ब्लैक एडम की मूवी हमारे पास आने लगी, फैंस का ये डिमांड वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगा कि हमें चाहिए बस। और इसका एक इफेक्ट हमें बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन पे देखने को मिलता है, जहां जो पहला बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन है वो ये कहता है कि ब्लैक एडम की मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड में यूएसए के अंदर ही 70 to 90 million dollars का कलेक्शन करेगी। पर एक नया बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन आया जिसके मुताबिक ये मूवी यूएसए के अंदर ही 55 to 75 million dollars का कलेक्शन करेगी। और ये जो चेंज है वो रिसेंटली होने लगा कॉमिक कॉन में, जब रॉक के बयान हमें ये चीज दर्शा रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली हेनरी कैविल ये मूवी में नहीं होने वाला है। और ये चीज नेगेटिव इंपैक्ट डालती मूवी के ऊपर ही नहीं बल्कि रॉक और WB के ऊपर भी, क्योंकि रॉक ने इस मूवी को अपने करियर के 15 साल दिए है और रॉक ने इस मूवी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तो और उसने इतना कुछ स्टेक पे लगा दिया ये मूवी के पीछे कि या तो ये मूवी उसके करियर को बना देगी या बिगाड़ देगी। और अगर आप बात करें WBD की तो यार वो तो कंगाल हो चुके, उनके पास लिटरली पैसा नहीं है शज़ाम की मार्केटिंग करने का, इसीलिए उन्होंने उसको डिले कर दिया है। उनके पास पैसा नहीं है एक्वामैन 2 का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, VFX कंपनीज को देने का पैसा ही नहीं है। तो उन लोग ने अभी रॉक से उम्मीद बना के रखी है कि आप हमें पैसा ला के दो, हम इन मूवीज पे लगाएंगे और अगर ये चल गई तो आगे कुछ हो सकता है DCEU का। एंड टू बी फेयर, ना ही WB और ना ही रॉक ने हमें कभी ये चीज टीज की या हमें कभी एक्सपेक्ट करवाया कि ब्लैक एडम की मूवी में सुपरमैन आ सकता है। ये तो बस हम नर्ड्स की फैन डिमांड थी कि भाई हमें चाहिए, हमें लाके दो। और जब रॉक को ये चीज रियलाइज हुई कि ये चीज या तो उसकी मूवी को डुबा सकती है या उस पर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, तो उसने जमीन आसमान एक कर लिया हेनरी कैविल को वापस लाने के लिए एज ए सुपरमैन। और ये चीज हम नर्ड्स फैंस को बहुत अच्छी लगी। पर अब आते लीक्स पे। हमें रॉक की ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वो हर जगह बकते जा रहा है भाई, मतलब वो लिटरली ऐसा लगता है कि वो ऐसा पहले एक चिट्ठी में लिख लेता है जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बस ऐसा रिपोर्टर्स को पास कर लेता है कि मेरे से ना सुपरमैन के रिलेटेड सवाल पूछो पूछो प्लीज। और जैसे ही पूछते तो वैसा बैठा रहता है, यस ही इज इन द मूवी बट आई कांट से यू प्लीज, मैं बता नहीं सकता तुमको यार, मैं नहीं बोल सकता, कॉन्ट्रैक्ट में हूं मैं, ये लो वीडियो देख लो, लो लीक देखो ना, तुम लीक देखो बट मैं बता नहीं सकता। और ये चीज समझ आती है कि WBS और रॉक को नहीं बोल सकता कि भाई ये मत बोल ऑब्वियसली, लेकिन WBD ऑनलाइन से तो हटा सकता है ना ये सब चीजें, वो तो वो भी नहीं कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहा है कि हाँ तुम देखो, यही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हमारी। और यार चलो ये चीज भी समझ आती है कि आप कंफर्मेशन दे रहे हो कि हाँ सुपरमैन होने वाला है मूवी में, आप ये भी कंफर्म कर दे रहे हो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में होने वाला है, बट उसकी लीक्ड फुटेज सीरियसली वो भी दिखाना है तुमको? और ये चीज यार हम फैंस की एक्साइटमेंट भी खराब कर देती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हेनरी कैविल को एज ए सुपरमैन कभी भी बड़े स्क्रीन पे नहीं देखा था, और मेरे जैसे फैंस जो इतने सालों से वेट कर रहे हैं उसके रिटर्न का, और अब जब वो चीज फाइनली हो रही है, वो चीज मुझे बड़े स्क्रीन पे नहीं एक फोन पे देखने को मिल रहा है, एक स्क्रीनशॉट की तरह बहन चो 480p की फुटेज देखने मिल रही है मुझे। और हाँ यार ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ये कैसे वर्क करती है अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हम लोग, बट यार तुम लोग खुद से पूछो कि तुम ब्लैक एडम की मूवी के लिए कब सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, और अगर तुम्हारा जवाब है 1-2 हफ्तों में, तो यार उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई। और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि यार तुम अब ब्लैक एडम की मूवी में ब्लैक एडम के लिए एक्साइटेड इतना हो ही नहीं, और तुम ब्लैक को देखने नहीं जा रहे हो, तुम सिर्फ सुपरमैन को देखने जा रहे हो ब्लैक एडम की मूवी में। और ऐसा भी नहीं किया तो वो विलन का रोल प्ले कर रहा है या सेमी लीड है, एक कैमियो है जिसका स्क्रीन टाइम कुछ सेकंड्स ही होने वाला है। और इसका इंपैक्ट ये भी होता है कि हम पूरी मूवी में वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म हो और हमें हेनरी कैविल का कैमियो देखने को मिले, और इसकी वजह से शायद से हम स्टोरी में इतना डीप ना घुस पाए, और ये चीज ब्लैक एडम एज कैरेक्टर के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट देती है। और हमारे मुताबिक इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इस कैरेक्टर के ऊपर ये पड़ता है कि अगर कुछ साल बाद हमें ब्लैक एडम वैसे सुपरमैन देखने को मिले, तो हम ये चीज के लिए एक्साइटेड होंगे कि रॉक विद सुपर पावर्स इज फाइटिंग अगेंस्ट हेनरी कैविल एज सुपरमैन। हम लोग ये चीज के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे कि ब्लैक एडम लड़ रहा है, उसकी पूरी एक जो हिस्ट्री पे एक पूरी मूवी बन रही है, ये उसकी जो रिच ओरिजिन स्टोरी है
कि एक बंदा जो अपने देश से इतना प्यार करता है, भले ही वो आउटसाइडर्स के लिए एक डिक्टेटर हो, एक वेरी क्रूअल डिक्टेटर हो, लेकिन उसके देशवासियों के लिए वो भगवान है, और वो सब तो हमें हार्डली दिखने वाला है। तो यार ये चीज़ हम लोग एज ए नर्ड्स को थोड़ा बुरी लगती है। और यार रॉक जो डायरेक्शन में डीसी ईयू को लेके जा रहा है कि रॉक सेंट्रिक वो पूरा का पूरा डायरेक्शन हो, वो प्रोबेबली अच्छा नहीं है। नहीं, वो अच्छा नहीं है, पर यार वो किसी डायरेक्शन में तो लेके जा रहा है। डब्ल्यू बी की तरह वो कोई ब्लैक होल तो नहीं है कि भाई हर चीज को अपने अंदर बस सक करते जा रहा है वो। और यार देखे तो यार डीसी के पास हार्डली 10-15 साल ही है, क्योंकि उसके बाद ना तुम्हारे पास बैटमैन होने वाला है, ना वंडर वुमन होने वाली है, ना सुपरमैन होने वाला है। तो तुम दूसरी मूवी में कैसे पैसा लगाओगे जब तुम्हारे पास अभी तुम कमाने ही नहीं निकल रहे हो, कंसिडरिंग के तुम अभी कंगाल हो। और यार ये सिचुएशन एकदम विक्रम वेदा की एंडिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपके पास दो चॉइसेस है और दोनों में अच्छा और बुरा रहने वाला है, पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, मूवी का वेट करते हैं, और यार थोड़े दिन इंटरनेट से दूर रहना, बट हमारे चैनल से नहीं, क्योंकि हम कुछ स्पॉइल नहीं करते। तो यार इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं आई तो भाई डिसलाइक कर देना। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्स नर्ड।